ऑलराइट, सो हे व्हाट्स अप, दिस इज मी शेजुगान, वेलकम टू माय YouTube चैनल विद वन मोर न्यू वीडियो। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज की इस वीडियो में मैं जब अपना फोटो शूट करके घर पर आया तो मैंने अपना इंस्टाग्राम चेक करा एंड इंस्टाग्राम में मेरे पास एक वॉइस नोट आ रखा था। वो वॉइस नोट मेरे दोस्त ने मेरे को सेंड कर रखा था एंड डूड, जब वो मैंने वॉइस नोट सुना तो मुझे लगा यार ये बंदा अगर ब्लॉग में नहीं आया तो इसके टैलेंट की कदर मतलब डाउन हो जाएगी, मतलब एक तरीके से बोलता है कि रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी। सो वही, तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं उसके पास जाऊंगा और उसके पास जाकर उसे पिक करके यहाँ लेकर आऊँगा, कल मैं यहाँ लाने के बाद उसकी आवाज़ आप लोगों को सुनाऊंगा। मैंने सुन रखी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई तो मैंने सोचा क्यों ना ये बंदा मेरे ब्लॉग में होना चाहिए और आप लोग भी उस लोग को सुनो ताकि टैलेंट इंडिया का यू नो बूम हो जाए। सो वही, तो मैं उसे यहाँ पर लाने का रीज़न ये है बिकॉज यहाँ पर आवाज़ मतलब साउंड बहुत ही ज़्यादा सही रहते हैं, बिकॉज यहाँ इको नहीं आती, यहाँ पर एक खोले इको के लिए इस वजह से। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बूम, आज ऐसा नहीं लग रहा कि पुराना वाला शेजू वापस जो 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 ओके तो मैं अभी जैसे ब्लॉग करता था, ब्लॉग करते करते मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मतलब ये कोई वॉइस नोट नहीं था। तो ये मैसेज मुझे पाकिस्तान से आया था, पाकिस्तान में मेरे ब्लॉग्स देखे जा रहे हैं, हसन फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू सो मच ब्रदर। और उन्होंने मेरे को मैसेज करा कि यार हाथ बहुत दुखता है, इस कैमरा में वेट बहुत है। एनीवे तो उन्होंने भाई ने मेरे को मैसेज करा कि एक ऐप के बारे में जो कि यूट्यूब के लिए हेल्प करता है एंड मैं उसे अभी चेक करूँगा, चेक करने के बाद फिर देखता हूँ अगर कुछ हेल्प होती है तो। बट मैंने बता दिया आप लोगों को, बताना जरूरी समझा कि यार मेरा हाथ दुख रहा है, मैं बाद में ब्लॉग करूँगा, अभी चलते हैं देखते हैं क्या होता है क्या। ओके तो मेरे घर वाला प्लान कैंसिल हो चुका है, मेरा घर वाला प्लान कैंसिल होने के बाद हम हमारे फैजान के घर, फैजान को आप लोग नहीं जानते, फैजान अरे जिसे आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा और उससे लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा, तो डूड जो हमारे अरिजीत सिंह वर्जन 2.0 है वो हमारे साथ है। एंड तुम लोगों को मेरे को एक चीज दिखानी है कि मेरी प्रोडक्शन टीम कितनी आई है, एक बार प्रोडक्शन टीम से हाय। ओके तो मस्तीखोरी के बाद है, अब बारी है अरिजीत सिंह वर्जन 2.0 की एंड डूड वो एक इंट्रो देना चाहता जो कि तुम्हें सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा लाजमी है। सो लेट्स स्टार्ट योर इंट्रो ब्रो। तो आज का सीन कुछ ऐसा गाइस, मैं शहीद नगर से हूँ, शहीद नगर में नूरी मस्जिद के सामने वाली गली में मदरसा है, हमारी गली में एक्चुअली काम चल रहा है, हमारी गली में हमारी गली बन रही है और उसमें काफ़ी सारा मलवा कीचड़ अगैरह धूल मिट्टी पड़ा है। और गाइस हमारे शहीद नगर में एक बारिश होती है जिसे कहते हैं रेनफॉल। उस बारिश में हमारे रोड पे एक अलग टाइप की कीचड़ होती है जिसके कारण हमारे पाँव, हमारे लेग्स, पैर वो भीगते हैं, उसमें भीग के एक अलग टाइप की बीमारी निकलती है, फुंसी फोड़ा एक्सेट्रा वगैरह जो हमारे पाँव में होते हैं, फुंसी फोड़ा एक्सेट्रा, उनसे हमारे पाँव की एक अलग पहचान बनती है, अलग रौनक आती है हमारे पाँव पे। तो गाइस अपने एरिया में भी मलवा करवाएं, कीचड़ करवाएं और उनमें अपने पाँव धोएं और अपने पाँव को रोशन करें। लव यू। ओके सो बॉम इंट्रो के बाद अब बारी है सीरियस मैटर की, कॉल हमने बहुत ज़्यादा मस्ती करी कर ली है एंड अब जो मैं तुम्हें मेन टॉपिक बताने वाला था वो मेन टॉपिक ये है कि जैसे मैंने तुम लोग को बताया था कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि ये इसका टैलेंट फूट के बाहर आए मेरे ब्लॉग्स के जरिए। सो वही, तो अगर आप लोगों ने ये ब्लॉग शेयर नहीं करा तो शेयर ज़रूर करना, बिकॉज यार डूड ये मेहनत करता है। लेकिन मैं इससे बोलता हूँ तू अपना यूट्यूब चैनल बना, मैं तेरे साथ हूँ, तो ये जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है मैं हूँ, तेरे कैमरे की ज़रूरत पड़ती है, माइक की ज़रूरत पड़ती है, एडिटिंग की, एवरीथिंग तेरा भाई तेरा साथ है। तो बस अब बारी है तुम्हारे इतने लंबे इंतजार के बाद इसके गाने की, तो लेट्स स्टार्ट हिज सॉन्ग ब्रो। चलो भाई चलो। जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से मैं गुजरा, शायद वही दिल में रहा तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना ओ दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। ओ लड़के
ओके सो डूड, अब मैं तुम लोग को सिर्फ ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मतलब वो ये था कि मैं तुम लोग को दिखा सकूं कि यार लोगों में टैलेंट होता है बट लोग दिखाना नहीं चाहते। जैसा कि ये मैंने इससे 50 बार बोल रखा, और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि इसे यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, यानी यूट्यूब चैनल भी नहीं होगा, इंस्टाग्राम पर भी आई जाए वीडियो डाले या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपना ट्राई करे, तो ये आई होप के 100% ये करेगा और कुछ बॉम्ब भी करेगा जैसे मैं बॉम्ब कर रहा हूँ वैसे ही। सो आई होप लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, प्रेस द बेल आइकन आल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बॉम्ब कंटेंट के साथ। आज का सीन कुछ ऐसा है, मेरा नाम मोहम्मद कैफ खान है, मैं शहीद नगर से बिलोंग करता हूँ, शहीद नगर की उन गलियों में रहता हूँ जहाँ मेरी गली घर के टट्टी इंसान है क्या? ठीक है दोबारा चल चालू रख। तो फैजान के घर, फैजान को तो आप लोग जानते होंगे, फैजान अपना बनाई सुहागरा। और मैं जब कहूंगा ना मेरी प्रोडक्शन टीम इतनी हाई है तो तुम पांचों अपने आप को ले लेना ऐसा करके उल्टा करके। देखो मेरा सेटअप कर रहा है। हेलो